Hey, bula unko. पहले का 3 लाख चुकाना बाकी है और तुम फिर भी खेलने को आए। पहले देखा तुम्हारा जैसा ये डा, नो टाइम वेस्ट, पैसा रख वरना आज तुम्हारा डेड बॉडी इधर से निकलेगा। सॉरी, जुए की कसम स्वामी, जी करता 3 लाख रुपए अभी दे दो। तो देना, तू खेलने देगा तो कमाऊंगा ना, और कमाऊंगा तो दूंगा ना। ए, शाना बनते है। सॉरी, टू मच कर रहा। दिमाग ठंडा रख स्वामी, धंधे की बात कर। एक छोटा सा गेम, हिसाब चुकता। गेम? क्या गेम है? ये तेरा लाइटर। क्या? ठीक तरह चलता नहीं। सिगरेट जलता है, और क्या चाहिए? 5 में से सिर्फ एक बार जलता है। तो? मेरे साथ ये छोकरा है, तेरा लाइटर जलाएगा 5 बार। 5 के 5 बार जल गया तो तू मुझे 6 लाख देगा, 1 बार भी चूक गया तो मैं तुझे दूंगा। इम्पॉसिबल। मान तुम्हारा पास 6 रुपया नहीं है, 6 लाख का बात करता है? चूना लगाते? ऐसा नहीं तो क्या हुआ, घोड़ा तो तेरे पास है, अगर मैं हार गया तो ठोक देना मेरे को। ए बच्चे, ए लाइटर, 5 बार 6 लाख। लग गया बेट, लग गया। आओ 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 ना। तू पागल है क्या? तुझे इसके 50 पैसे के लाइटर पे भरोसा है? 50 पैसे के लाइटर पर नहीं, तेरी तकदीर पर भरोसा है। तू काहे को टेंशन लेता है? चल बैठ, घोड़ा तो मेरे सर पे लगा है ना। ये खुदकुशी है? ये खुदकुशी नहीं, खुद की खुशी है। तेरे पास वो हथियार है जो इंसान की लकीरें पलटते हैं। तमाम का तुझ पर भरोसा है, और वैसे भी बैटिंग का उसूल है, पैसा लगने के बाद पीछे नहीं हटते। हे लैला मजनू, नो टाइम वेस्ट। चल बैठ।
स्वामी, मेरी जान का तो पता नहीं, मगर तुम्हारा 6 लाख गया, अफसोस। चल राम। स्वामी अभी तक पागल हो गया होगा साला। तमांग, मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं यूएस जाऊंगा। अगली बार कुछ भी हो मुझसे मिलना मत। तू पागल है, तेरे साथ मैं भी मरता। अगली बार इतना बड़ा गेम कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं आज के बाद तुझसे मिलना नहीं चाहता। एटीएम मशीन लूट कर जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहता है, ये भी नहीं समझता कि तू खुद एक एटीएम है। कितनों को एहसास है कि लक उनके साथ है, ऐसा लक जो आने वाली मौत का रास्ता बदल दे। मुझे तेरी बातों से कोई मतलब नहीं है राम। तमांग का उसूल है किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। तू जाना चाहता ना, जा, मगर अपने नसीब का कमाया हुआ ये रुपया रख ले। तुझे तो मैं गुडलक भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गुडलक उसे बोला जाता है जिसका टाइम खराब हो। ऐश कर। जी मूसा भाई, अपने पास सिर्फ 10 दिन बचे तमांग जी। वो लड़का राम है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा यानी पैसा लगेगा। अपने धंधे में जब काम आगे ना बढ़े ना, तो समझ लो कि टाइम गलत है। जुआ ड्रग्स की तरह है तमांग, उसे अकेला छोड़ दो, तड़प उसे वापस ले आएगी। मैं समझता हूँ मूसा भाई, कल मैं पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा हूँ। पैसा लगाने का 2 नंबर पे, ओए नहीं 11 नंबर पे लगाना। 3 नंबर पे लगाओ साहब, 3 नंबर बहुत लकी है, पिछली 5 रेस वही जीत चुका है। डूबेगा साहब, पैसा डूबेगा। ए शॉर्टकट, नंबर 8 पे पैसा लगाओ साहब, बिंदास। 8 लंगड़ा है साहब, लंगड़ा है। पिछले हफ्ते हम उसको सुलाने वाले थे, पर ऐन वक्त पर पिस्तौल जाम हो गई तो बचा हुआ है। पिस्तौल नहीं चली ना, जिंदा है ना, इसी को तो लक बोलते हैं साहब। पैसा लगाओ। वैसे भी अगर उसका लक नहीं चला तो क्या, मेरा चलेगा ना। बात तो है साहब, जिस ऊंट पर बैठती है वो ऊंट जीतता है। कहते हैं पैसा कमाने का शॉर्टकट है शॉर्टकट। चल मेरे 8 नंबर, निकल जा शॉर्टकट से। वाह, चल चल।
ये लो 2 लाख, वो लड़की एक्सपोर्ट करो दुबई। 2 लाख नहीं, 4 लाख, एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका, जहां शॉर्टकट को नंबर पर जीतने का गुरूर है, वहीं एक ऐसा इंसान भी है जिसे अपनी वर्दी, मुल्क और अपनी सेना पर फक्र है। कुमाऊं रेजिमेंट से लेकर राजपुताना राइफल्स तक जिनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। 3 वॉरफ्रंट्स पे जहां न जाने कितने शहीद हुए, वहीं अनगिनत गोलियों के बौछार से जिंदा बच के वापस आने वाले मेजर जाबर प्रताप सिंह। तुम फिक्र मत करो, फिक्र तुम्हारे चेहरे पर है। मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। मुझे जाने दो। बस करो, तुम उम्मीद नहीं छोड़ सकती शीला। तुम एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, तुम्हें लड़ना होगा आखिरी दम तक। हम जीतेंगे, जीतेंगे हम। भाभी आया। ये 3 लाख। मेजर साहब, मैं समझता हूं, लेकिन केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वक्त बहुत कम है। काफी पैसों की जरूरत होगी, कम से कम 20-25 लाख। और अगर कुछ दिनों में बंदोबस्त नहीं हो पाया तो बचाना मुश्किल होगा। तमांग। मेजर जाबर प्रताप सिंह, बहुत कम नाम ऐसे होते हैं जिनका टेलीफोन उठाने का जी करता है। पिछली मुलाकात याद है? अच्छी तरह, धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था, कैसे भूल सकता हूँ। मेरा इरादा बदल गया है, मिलना चाहता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे तो जैसों की जरूरत है। मेरे पास वक्त कम है और मेरे पास लक कम है। कितने दिन और कितना मिलेगा? जितने दिन तू जी पाए और जितना तू गिन पाए। लेकिन याद रहे मेजर, एक बार घुस गया तो पीछे नहीं हट सकता। दुश्मन का बॉर्डर हो या दी हुई जबान, हिंदुस्तानी सिपाही पीछे नहीं हटता। कोई शक? इरादा फिर बदल गया तो? इंसान का इरादा और उसकी तकदीर बोल के नहीं बदलते, भरोसा करना होगा। गैमलिंग में भरोसा नहीं, लक चलता है, और इंसान और लक दोनों का कोई भरोसा नहीं। 20 दिन में 20 करोड़, जैकपॉट। वेलकम मेजर। सलाम अलैकुम मौसा भाई। दुनिया की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुजरिम को मुकर्रर किए गए वक्त पर फांसी नहीं लगी हो। गलत चल प्रवाह
रस्सी के फिसलने से राघव ने मौत का वक्त बदल दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे फिर फांसी लगाने की दरख्वास्त की, पर भारतीय कानून के तहत किसी मुजरिम को दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती। उसे बाइज्जत बरी किया गया। राघव रघुवरन, शायद लक उसके साथ था। हे राघव, जेल में तो टिकता नहीं, नरक तक तो पहुंचता नहीं, तेरा लक तो उससे भी ज्यादा हरामी है। काम करेगा मेरे साथ? न 20 रुपए की रस्सी राघव का दम तोड़ सकती है, न 20,000 की गड्डी राघव को खरीद सकती है। तमांग खरीदता नहीं, भाड़े पे देता है। भाड़े पे तो टट्टू मिलते हैं, तमांग रेस में असली नस्ल के घोड़े जीतते हैं। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है। अब तो शो करेगा। बहुत खर्च कर लिया तूने। तू चिंता क्यों करती है माँ? ये देख, वॉलेट भरा हुआ है ना। इतना सारा पैसा, तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? तुझे झूठ बोलूंगा क्या? अरे जितें, मुझे वहां जाना है। आंटी, वहां सेल लगा है। शॉपिंग मॉल, 50% सेल। पैसा उड़ाने का अपना ही एक मजा है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, वो पैसे के पीछे भागता है, और जब उसके पास पैसा आ जाता है, उसी पैसे को ठोकर मारता है। क्यों राम? फोन क्यों किया? न्यूयॉर्क में इससे कई बड़े बड़े मॉल्स हैं। मैं फोन रखता हूँ। फोन रखने से इनकमिंग पैसा रुक नहीं जाता। उस बनिए के साथ घूमेगा तो मुंबई में ही शॉपिंग करता रहेगा, मगर तमांग के साथ एक कॉफी तुझे न्यूयॉर्क पहुंचा सकती है। मैं नहीं आऊंगा। अकेला आएगा तू। कॉफी पीने के लिए लक को साथ लाने की जरूरत नहीं। 4 बजे कॉफी शॉप। माकाचीनो। मोकाचीनो, यही तो फर्क है हम दोनों में। मेरे पास पैसा है पर स्टाल नहीं, और तेरे पास स्टाल है पर पैसा नहीं। क्यों बुलाया मुझे? क्या उखाड़ लिया 10 दिन में तूने? एक ढेला भी नहीं कमाया। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश के साथ कोई गारंटी नहीं आती। तेरी उम्र में दिन का 1,00,000, 10 दिन में 10,00,000 का नुकसान हुआ ना। मैं देता है गारंटी के साथ। तू मुझे खरीद नहीं सकता। तमांग खरीदता नहीं, भाड़े पे लेता है। और इस बार 20 दिन का 20 करोड़, ज्यादा भी। मुझ पे इतना भरोसा क्यों है? और वैसे भी तमांग, अगर मैं लकी होता तो ना 3 बार वीजा रिजेक्ट होता, ना घर गिरवी होता।
ना मैं जिंदगी से भागता। वो सब बैड लक नहीं, तमांग तक पहुंचने का गुड लक था। चांद पर पहुंचना हो तो सितारों पर नहीं रुका करते, वो तो खुद गिरते रहते। मैं जा रहा हूं तमांग। करीम मूसा, वो कहते हैं ना कि बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तू नहीं जानता तेरी कीमत क्या है। चाहते क्या हो मुझसे? वही जो उस रात तूने तमांग के साथ किया था। तुझे तो बस आना है, बाकी तेरा लक करेगा। सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं। लक्ष्मी तुझे टीका लगाने आई है और तू ईद का चांद बना हुआ है। मुझ पे इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? 3 साल की उम्र में 4 माले की बिल्डिंग से गिर के कितने लोग बचते हैं? 13 साल का था तू, तेरे 5 दोस्त ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए और तुझे खरोच भी नहीं आई। मेरे बारे में तुम्हें ये सब? तेरे बारे में तुझसे ज्यादा जानता हूं मैं। ये तेरा पासपोर्ट, 10 साल US वीजा के साथ, तेरा डिपॉजिट हमारे पास रहेगा। ये 10 लाख रुपए तेरा एडवांस और इस पासपोर्ट पर तू केप टाउन जाएगा।